प्रिपरेशन हम देख रहे हैं पर सारे यू नो थोड़े गमगीन हैं, थोड़े कन्फ्यूजन में है, क्या हो रहा है प्रीतिका को? जैसे हम जानते हैं कि शादी की बातें कुछ कुछ हो रही है दोनों परिवार में, अयान की फैमिली में और मोहिनी की फैमिली में, एंड माहौल भी थोड़ा सा टेंशन वाला है बिकॉज इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल इमोशंस हैपनिंग राइट नाउ मेरे मेहता परिवार में भी और मोहिनी के परिवार में भी. सो एवरीबडी ऑल द आर्टिस्ट आर गोइंग टू गो थ्रू मल्टीपल इमोशंस. ऐसा नहीं है कि शादी हो रही तो वो बहुत खुशी, यू नो एवरीबडी इज़ हैप्पी, नहीं ऐसा नहीं है. तो यू गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ बैगेज यू नो अनवाइंडिंग स्लोली अमॉन्ग ऑल द एक्टर्स. So that's what we're shooting right now. Okay, पर आज हमने देखा शादी से पहले यू नो जो यूजुअल कॉन्वर्सेशंस होती हैं वैसा कुछ हो रहा था. मिस करेंगे वो सारा इमोशनल ड्रामा, क्या कहेंगे क्या? सो जैसे मतलब आपने देखा ज्वेलरी सारे सेट्स हैं एंड मोहिनी देख रही है ज्वेलरीज को, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर यू नो मोहिनी भी कन्फ्यूज है. शी वो लाइक इतने धूमधाम से शादी नहीं करनी है. एंड जब वो मंगलसूत्र दिखाती है अम्मा को तो अम्मा को भी लगता है कि यू नो जो फ्लैशेस है कामिनी के, क्योंकि कामिनी की शादी जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं जाके शी इज़ फीलिंग बैड एंड उनकी आंखों में आंसू आते हैं. एंड देन आफ्टर दैट कामिनी भी रियलाइजेज कि क्या हो रहा है, अम्मा क्यों रो रही है. मोहिनी ऑल्सो रियलाइज अम्मा क्यों रो रही है. एक यू नो एक मोमेंट है छोटा सा तीनों के बीच में. एंड देन मोहिनी ट्राइज टू यू नो रिवाइव एवरीबडी लाइक से कि कम ऑन, जो हो गया हो गया, अब जीते हैं, इस पल को जीते हैं. एंड देन शी सडनली रियलाइजेस कि ये पल भी अगर शादी हो जाएगी तो हम चले जाएगा, यू नो मेरे हाथों से दोनों के साथ मैं रहती आई हूँ इतने साल, वो भी चला जाएगा. सो दैट इट्स अ होल इमोशनल बिल्डअप फॉर ऑल द कैरेक्टर्स. लास्टली शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या कहेंगी? काफ़ी यू नो टेंशन है और काफ़ी बज़ है अराउंड मोहिनी एंड अयान शादी, क्या कहेंगी? ऑनेस्टली ये खुद मोहिनी नहीं जानती है इस वक्त कि शादी होगी या नहीं होगी या क्या होगा. इट्स अ बिग मिस्ट्री एवरीबडी, फॉर एवरीवन इट्स अ बिग मिस्ट्री. ओके, टू ऑल द व्यूअर्स क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी बहुत ड्रामा आएगा. It's going to just build up the drama, so it's going to be a very interesting phase of Love Ka Intezar. So watch it and hope you enjoy it.